बिलासपुर जिला के नैना देवी हलके के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपए की सौगातें बांटी। साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा इन्वेस्टर मीट के नाम पर औपचारिकता करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 फरवरी से इन्वेस्टर मीट को लेकर MOU साइन करने की बात कही और बिलासपुर व मंडी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1,892 करोड़ के बजट प्रावधान की भी बात कही। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा द्वारा जीत दर्ज का दावा किया। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बिलासपुर दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन नैना देवी हलके का दौरा कर करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। वहीं कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम के दौरान जुखाला और बस्सी में BJP कार्यकर्ताओं द्वारा जनसभाओं का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा इन्वेस्टर मीट के नाम पर केवल औपचारिकता करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश में आने वाले समय में हैदराबाद और बेंगलोर द्वारा इन्वेस्टर करने की बात कही है। साथ ही जयराम ठाकुर ने 25 फरवरी को इन्वेस्टर मीट को लेकर MOU प्रोसेस शुरू करने और लोकसभा चुनाव के बाद इन्वेस्टर मीट के आयोजन की बात कही है। हमारा मानना यह है कि चंडीगढ़ से मनाली तक के लगभग ये 8-9 घंटे का एक ट्रैवलिंग का ही बनता है, तो बड़ा लंबा स्ट्रेच है। तो इसमें बीच में हमको डेस्टिनेशन डेवलप करनी चाहिए, बिलासपुर करना चाहिए, मंडी करना चाहिए, ताकि उनकी ब्रेक जर्नी भी हो, और लेकिन ब्रेक जर्नी के साथ साथ में उनको कोई टूरिज्म के नाम को अट्रैक्शन भी हो, जो हमारा ADB का जो नेक्स्ट जो हमारा 1,892 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसमें इन दो डेस्टिनेशन पर भी हम फोकस करते हैं। इसमें एक बात आ रही कि कोल डैम को फोकस किया जाए, वहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप आ रहा है, जो बिलासपुर और मंडी के बीच में एक डेस्टिनेशन लोग डेवलप कर सकते हैं उसको। और उसके साथ साथ में हमारा यहाँ का ये जो सागर है, अपना गोविंद सागर जो है, तो इसमें हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या डेवलप कर सकते हैं, जो वहाँ पर टूरिस्ट आए और उसका आकर के जो है उसका आनंद ले सके। पहले क्या होता था कि कुछ जगह जाते थे, चीफ मिनिस्टर जाते थे, मिनिस्टर जाते थे, थोड़ा इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने की एक थोड़ी सी एक औपचारिकता जैसे करते थे, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, ऐसा करके होता था। अब की बार हमने थोड़ा हट करके होलिस्टिक एक व्यू लिया पूरा स्टेट का, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रूप में इन्वेस्टमेंट का स्कोप जहाँ जहाँ है उसको कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने दो जगह बेंगलोर और हैदराबाद में दो जगह रोड शो के काफ़ी पॉजिटिव एक वहाँ पर हमको देखने को मिला है, लोग आना चाहते हैं। हिमाचल का नाम पूरे देश भर में लग इसके साथ आता है कि जहाँ इन्वेस्टर महसूस करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है। इन्वेस्टर्स मीट हमारी लोकसभा के चुनाव के बाद होगी और उससे पहले कुछ एक MOUs का प्रोसेस हमारा शुरू हो रहा है। अभी 25th को भी जो हमने कुछ प्लान किए हैं, कुछ MOUs की शुरुआत वहाँ से उस दिन से होने वाली है। हम संतुष्ट हैं, सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सांसद की भूमिका अलग तरह की होती है, बड़ा क्षेत्र होता है, सब जगह पहुँचना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी संसद के अंदर, संसद के बाहर लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए जो एक सांसद की एक भूमिका रहनी चाहिए, उस भूमिका के दायरे में सब लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। कि हमारे यहाँ पर एक स्थापित व्यवस्था है, उसके अनुसार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व टिकट तय करता है, टिकट वो तय करेंगे, हम काम करेंगे। हमारे जिम्मे ये है कि 4 सीटें पहले जीती थी, 4 सीटें फिर से जीत के देंगी। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।